लोकसभा चुनाव के दरमियान गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रतीक चिन्ह कमल को कुछ कारीगरों ने अंगूठियों में हूबहू छाप दिया है। मोदी और कमल के छाप वाली ये अंगूठी सोने चांदी से बनाई जा रही है, जिनका वजन 2 से 8 ग्राम तक रखा गया है। ऐसी 3000 से ज्यादा अंगूठियां अब तक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 12 से भी अधिक राज्यों में भेजी जा चुकी है, यानी इन अंगूठियों की भारी डिमांड है। भाजपा एवं मोदी समर्थकों के लिए ये अंगूठियां न केवल ज्वेलरी की तौर पर पसंद की जा रही हैं, बल्कि चुनाव में अलग तरह का माहौल भी बना रही हैं। ये अंगूठियां खास तौर पर राजकोट के सोनी बाजार में बनती हैं। एक बिजनेसमैन ने बताया कि एक अंगूठी तैयार करने में 48 घंटे का वक्त लगता है। बिजनेसमैन के मुताबिक पहले तो 6 डिजाइन में अंगूठियां तैयार की गई, फिर 3 डिजाइन लोगों को काफी पसंद आए, जिसके चलते इसी डिजाइन की 3000 से ज्यादा अंगूठियां बनाई गईं, जिसे गुजरात समेत कई राज्यों में सप्लाई किया गया। इन अंगूठियों के स्केच से लेकर डिजाइन और घड़ाई राजकोट में ही की गई। सोने की अंगूठी 16 से 25 हजार और चांदी की अंगूठी 1000 से 1500 रुपए में धड़ाधड़ बिक रही है। सोने चांदी के जेवरात बनाने के लिए राजकोट पहले से जाना जाता है। बॉलीवुड स्टार से लेकर बड़े उद्योगपति सोने चांदी के जेवरात राजकोट में बनवाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोना चांदी के जेवरात में छाए हुए नजर आते हैं। राजकोट के एक सोनी व्यापारी द्वारा सोने चांदी में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और भाजपा के कमल वाली 3000 से ज्यादा अंगूठियां की गई हैं।